आरिफ और सारस की दोस्ती के बारे में कौन नहीं जानता। फरवरी में अमेठी के मोहम्मद आरिफ और सारस की दोस्ती सोशल मीडिया पर छा गई थी, लेकिन अब सीमा और सचिन का सरहद वाला प्यार खूब चर्चा में है। इस बीच कुछ दिन पहले आरिफ ने चालाकी से सारस से मिलकर खूब सुर्खियां बटोरी। हालांकि इस बार आरिफ की चालाकी काम नहीं आई। आरिफ चुपचाप से सारस से मिलने फिर चिड़ियाघर पहुंचे। मुंह पर कपड़ा बांधे आरिफ टिकट लेकर चिड़ियाघर के अंदर तक तो पहुंच गए, लेकिन सारस के बाड़े तक पहुंचने से पहले ही कीपर ने उन्हें पहचान लिया और अफसरों को सूचना दे दी। अफसरों ने आरिफ को सारस से नहीं मिलने दिया। इसके बाद आरिफ ने सारस से ना मिलने के दर्द को बयां किया। पाकिस्तान से लोग आके यहाँ रह सकते हैं मोहब्बत के नाम पर खुले में। आप लोग बाकी देख सकते हैं मेरे दोस्त सारस का क्या हाल हो रहा है, मिलने भी नहीं दिया आराम से। आरिफ ने बिना सीमा हैदर का नाम लिए कहा कि लोग मोहब्बत में पाकिस्तान से चले आ रहे हैं, मगर हमें सारस से मिलने नहीं दिया जा रहा है। अब घुटन सी महसूस होने लगी। मेरे बिना मेरे दोस्त सारस का क्या हाल हो रहा है, ये सब दिख रहा है। आरिफ ने कहा, जब तक पैरों में ताकत रहेगी दोस्त से मिलने के लिए आता रहूंगा, जरूरत पड़ी तो कोर्ट जाऊंगा, कोर्ट में मिलने के लिए अर्जी डालूंगा या आज़ादी की मांग करूंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।